इसका हम लोग का एसोसिएशन है वो ताइवान को लेकर गया। ताइवान एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है, एक आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न डायरेक्शन में। ये लगभग 36,197 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, आज का पॉपुलेशन जो है लगभग 2 करोड़ पॉपुलेशन है। ये देश जो इतना छोटा है पर इसका इंपॉर्टेंस पूरा दुनिया में किस तरह का है ना। आज से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, सेमीकंडक्टर जो चिप वगैरह जो बनता है, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन लगभग 60% प्रोडक्शन पूरा दुनिया में 60% सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन जो होता है वो ताइवान करता है। उसमें से लगभग 90% एडवांस टेक्नोलॉजिकल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह वो ताइवान ही प्रोड्यूस करता है। सो ताइवान अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इवन इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम लोग को भी सेमीकंडक्टर का बहुत जरूरत होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूरत है। नाउ यहाँ पे हम लोग का जो डिस्कशन होगा, चाइना क्यों इतना इंटरेस्टेड है ताइवान को लेकर, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो ये क्या होगा ना, ये ईस्ट हमारे पास एशिया में आता है, वेस्ट पैसिफिक में चाइना के एकदम लगल में है, एकदम बगल में बोलने से। इसके ऊपर में हमारे पास नॉर्थ चाइना सी है, यहाँ पे हमारे पास साउथ चाइना सी है, एंड यहाँ पे ताइवान और चाइना के जस्ट बीच से एक ताइवान स्ट्रेट गुजरता है जिसको फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं। वो यहाँ पे ये वाला ये ताइवान है, इधर आपका चाइना है, और ये वाला क्या होगा फॉर्मोसा, ये भी ताइवान स्ट्रेट है। फॉर्मोसा ये ताइवान का पुरातन नाम है, यानी ये क्या है इसका ओल्ड नेम है। अब ताइवान के बारे में अगर देखें तो ताइवान का करेंसी जो है वो न्यू ताइवान डॉलर है, यानी इसका करेंसी हम लोग एक तरह के बोल सकते हैं, टाइप ऑफ डॉलर भी बोल सकते हैं। ना ताइवान में अभी फिलहाल अगर देखें तो इसका इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन यानी अपना संविधान है, इसके पास स्टेबल आर्मी है, इसका अपना खुद का डिसीजन मेकिंग पावर है, साथ में इसको रूल करने वाला इसका प्रेसिडेंट कौन है ना, प्रेसिडेंट है साल ई नुवेन है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम है लाई चिंग ते है, एंड साथ में जो ताइवान है वो एक पूरी तरह से आइलैंड कंट्री है। हालांकि इसको अभी तक करीबन 13 कंट्रीज ने इसे इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिया हुआ है, और बहुत सारे देश इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते क्योंकि ताइवान का एक ऑफिशियल नाम भी है, इसे रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यों कहते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हम लोग को हिस्ट्री में जाना होगा। हिस्ट्री में होता क्या है, पहले चाइना में एक डायनेस्टी हुआ करता था, इस डायनेस्टी का नाम था क्विंग डायनेस्टी। क्विंग डायनेस्टी के अंदर में चाइना भी आता था और ताइवान भी आता था, लेकिन 1895 में पहला सीनो जापानी वार होता है, यानी जापान के साथ पहला वार होता है, एंड उस समय चाइना क्या करता है, ताइवान हार जाता है जापान के हाथों, यानी 1895 में वो चाइना से निकलते हुए कहां पहुंच जाता है ना, जापान के हाथ में पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान सरेंडर किया था, ये हम लोग को मालूम हुआ। जब जापान सरेंडर किया था तो उसे बहुत सारा टेरिटोरियल लॉस हुआ था, और टेरिटोरियल लॉस में से एक था ताइवान। उस समय जब जापान ने ताइवान को छोड़ा तो उस समय चाइना ने उसे एक्वायर कर लिया, यानी फिर से उसके ऊपर पॉसिशन लगा दिया। लेकिन चाइना में भी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे आए थे, आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी चल रहा था। इस तरह चाइना में दो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा हावी था, एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी था और एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी था। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को ये चाइना में और उनको जड़ नहीं मिला, जिसके कारण 1949 में चाइना के जो नेशनलिस्ट थे वो कहां चले जाते हैं, ताइवान में जाने के बाद वही लोग अपने वहां पर रूलिंग शुरू करते हैं, एंड यहाँ पे एक पार्टी का निर्माण करते हैं। उस पार्टी का नाम था कुमिंतांग पार्टी, या फिर कहेंगे कुमिंतांग पार्टी। और कुमिंतांग पार्टी का जो लीडर मेन थे उनका नाम था चियांग काई शेक, इनके रूल में ताइवान इंडिपेंडेंटली चल रहा था। लेकिन चाइना हमेशा कोशिश किया कि ताइवान को वो एक्वायर कर ले। इसी कड़ी में 1950 में चाइना ने ताइवान के ऊपर हेवी बमबारी कर ली। अब जब बहुत ज्यादा बमबारी किया तो उस समय बीच में कौन आता है ना, अमेरिका बैक करता है। किसका ना, जब ये चाइना हेवी बमबारी करता है ताइवान में तो अमेरिका इसका डिफेंड करता है।
और चूंकि ताइवान को उसको बचाना था इसीलिए एक रिजोल्यूशन लाता है चाइना के साथ, ना उसका नाम था फॉर्मोसा रिजोल्यूशन। फॉर्मोसा रिजोल्यूशन के तहत, फॉर्मोसा याद रहे ताइवान का ओल्ड नेम है यानी पुरातन नाम है। अब अमेरिका ने इस रिजोल्यूशन से यह सुनिश्चित कर दिया कि इंडिपेंडेंटली जिंदा चले अपना, लेकिन चाइना फिर 1956 के दौरान फिर यहाँ पे मिसाइल टेस्टिंग वगैरह किया। यानी चाइना समय समय पर कोशिश करते रहा कि वो ताइवान को अपने अंडर मिला ले। अब अमेरिका कोशिश करता है कि नहीं उसे इंडिपेंडेंट रहने दे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि अमेरिका जो है ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। वन चाइना पॉलिसी क्या है ना, वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से ताइवान उसका हिस्सा है। पश्चिम बोलने से तो वो हमारे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और अक्षय चीन को भी तो अपना ही मानता है, तो उसका मानने से नहीं होगा। ताइवान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट है, उसका अपना प्रेसिडेंट है, अपना उसके बाद स्टेबल आर्मी है, ट्रूप्स है, उसका अपना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड साथ में ताइवान का लोग क्या चाहता है, उनके मैक्सिमम लोग इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, बुद्धिज्म आते हैं, हालांकि इसमें क्रिश्चियनिटी भी है और ताइवानिज्म भी है, है? तो ये लोग चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहे, मतलब वे लोग नहीं चाहता है कि ताइवान चाइना के साथ मर्ज हो। चाइना हमेशा कोशिश करता है कि ताइवान को अपने अंदर मिला ले। ना अमेरिका के लिए क्या है ना, ये जो चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो उसका विरोध करता है। इवन हम लोग भी इसका एक्सपेंशन यानी ये जो विस्तार वाली पॉलिसी है इसका हम लोग विरोध करते हैं। ना आगे देखते हैं, अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट और होता है तो मैं उसमें वीडियो में डाल दूंगा आगे। स्टे ट्यून।